और दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही अग्निशमन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि दीपावली के त्योहार पर आग लगने की घटना अधिकतर सामने आती है। अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्ता तिवारी ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए हमने अभी से तैयारियां पूरी कर ली है और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन बिल्कुल तैयार है। उन्होंने बताया कि राजधानी देहरादून के अंदर 8 जगहों पर अग्निशमन की गाड़ियां पहले से ही खड़ी कर दी जाएगी। अगर आग लगने की सूचना मिलती है तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर भेजी जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सभी को पता ही है दीपावली है और खासकर फायर सर्विस के लिए तो एक चैलेंज है, तो हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है। फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह, हम देहरादून को जैसे पूरा कवरअप करते हैं, तो 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जैसे धर्मपुर चौक हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, सहजधारा क्रॉसिंग हो गया, प्रेमनगर, इस तरह से 8 जगह हमारी रहेंगी। और कुछ यूनिट्स हमारी फायर स्टेशन पर भी अलर्ट की पोजीशन में रहेंगे।